ग्वालियर में लगने वाले मेले में आने वाले सैलानियों को लेकर आगाह किया गया है। मेले में आ रहे सैलानियों को जो है सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि आप कभी भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मेले में आने वाले सैलानियों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेला प्राधिकरण खुद गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहा। बता दें, मेला प्राधिकरण खुले तौर पर कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है। यदि किसी प्रकार की बीमारी फैलती है तो इसका जवाबदार कौन होगा, मेला प्रशासन या शासन? बता दें, WHO ने ये गाइडलाइन जारी की है कि पिछले 40 दिनों में यानी जनवरी में कोरोना की लहर तेजी से आ सकती है, लेकिन ग्वालियर में मेले और मेला प्राधिकरण द्वारा किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन के निर्देश नहीं दिए जा रहे। यदि किसी प्रकार की बीमारी फैलती है तो उसका जवाबदार कौन होगा, मेला प्रशासन या शासन? आगे हम ऐसे अनेक खुलासे करेंगे कि मेला लगने के लिए जो है मठाधीश मेला लगाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाखों रुपए का फायदा होता है, क्योंकि उनके पास मेले में आधे से ज्यादा मठाधीश के कब्जे में है। सीधे तौर पर कहा जाए तो मेले में जितनी दुकानें हैं आधे से ज्यादा मठाधीश के पास है। इस खबर को लेकर आगे और भी अपडेट्स मिल सकती है। ऑफिशियल डेट अभी हमारे पास कोई नहीं आई है, और मेला जो है वो हमारा अनौपचारिक रूप से 25 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, और औपचारिक उद्घाटन की जैसे ही कोई सूचना हमको प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। 24 घंटे की सूचना पर हम प्रोग्राम कर लें।